देखिए, मैं बड़े दुख के साथ में कहना चाहूँगा, SRA की एक योजना ऐसी है जिसमें सरकार का एक रुपया लगता नहीं है, सरकार को उल्टा टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज मिलते हैं, जो बिल्डर है वो सारा करता है, लेकिन ये सिस्टम इतना सारा बिगाड़ के रख दिया हमारे लोगों ने। वो जो झोपड़पट्टी में रहने वाला है उसको पूरा पावर दे दिया, बाकी किसके पास पावर नहीं है। आज सारे स्कीम बंद पड़े, कोई सामान्य व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दिया, स्कीम बंद कर दिया। मैं कहता हूँ कि SRA को एकदम आसान कर देना चाहिए। जो व्यक्ति रहता है, जब 2011 तक के आपको घर देने का आपने नियम बना दिया, तो क्यों उसका कंसर्न लेना चाहिए, उसका ये 10 लफड़े क्यों करना चाहिए? उसको घर देने का आपने कायदा बना दिया, बिल्डर को बता दो, उसका प्लान पास कर दो। मैं आपके TV के माध्यम से कल दीपक कपूर को चैलेंज देकर आया हूँ कि मैं एक कोई भी स्कीम ले लूँगा, ये करके मैं बताऊँगा। मैंने कहा कि मैं 2 साल के अंदर पजेशन दूँ, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, ये हो ही नहीं सकता। मैंने उनको चैलेंज देकर कि मैं ये करके बताऊँगा, आप मुझे कोई भी एक स्कीम दे दो, मैं 2 साल में लोगों को घर में शिफ्ट कर दूँगा, इतनी बड़ी ताकत इसमें है। लेकिन किसको काम ही नहीं करना है, सबको सवेरे उठकर पैसा मैं शाम को कितना घर पर लेके जाओ, इसके लिए घर से बाहर निकलते हैं, ये तो चलेगा ना साहब? नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, ये सारे लोगों ने एक संकल्प करना चाहिए कि जो अधिकार लोकशाही ने मुझे दिया है लोगों का काम करने का, वो करने के लिए घर से बाहर निकलो, तो सब काम हो जाएंगे साहब, सब काम हो जाएंगे।